बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं अपनी इस वीडियो में चंद ऐसी कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जो इंसानी जिस्म को ना सिर्फ सेहतमंद रखती हैं बल्कि पूरे जिस्म की ज़रूरियात को बखूबी पूरा करती हैं और इंसानी जिस्म कमज़ोरी और बुढ़ापे को रोक सकती हैं। नाज़रीन, शहद कुदरती अज़ा में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और ताकतवर चीज़ है। शहद नुकसानदेह जरासीम को ख़त्म करता है और फ़ायदा मंद जरासीम को बढ़ाता है। ये कुदरत का सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक है। ये पेट और दिल के अमराज को ठीक करता है। ये खून की कमी को बड़ी तेज़ी से दूर करता है और मोटापे को रोकता है। शहद का इस्तेमाल जिगर, गुर्दे, मैदा, मसाना और अंतड़ियों को तकवियत देता है और इंसानी जिस्म में कमज़ोरी को दूर करके बुढ़ापे को रोकता है। शहद का इस्तेमाल चेहरे को ताजगी बख्शता है। इलसी, इलसी में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम जो कि इंसानी सेहत और ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इलसी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है और इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बरकरार रखती है। इलसी का इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचाता है। मेथी दाना, मेथी दाना में इंतहाई तेज़ी से थकावट और कमज़ोरी को दूर करने की सलाहियत होती है। ये ना सिर्फ मोटापे को रोकती है बल्कि जिस्म को सुडोल और खूबसूरत करती है। मेथी दाने का इस्तेमाल खून को साफ़ करता है और खून से फाजिल मादों का खात्मा करती है। इसका इस्तेमाल बालों के नशों नुमा के लिए इंतहाई मुफीद है। ये दिल के अमराज से बचाती है और सीने की जलन का खात्मा करती है। चूँकि मेथी दाना आयरन से भरपूर होती है इसलिए ये नया और ताज़ा खून पैदा करती है और जिस्म की कमज़ोरी को दूर करती है और मैदा को ठीक करती है। दूध, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इंसानी जिस्म की तमाम ज़रूरियात को बखूबी पूरा करता है। दूध में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस शामिल होते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा विटामिन ए दूध में पाया जाता है जिसकी वजह से हम तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते हैं। दूध बुढ़ापे को रोकता है और मसल को ताकतवर और सेहतमंद रखता है। दूध का इस्तेमाल बालों और जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और कैंसर से बचाता है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल हेल्थ टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको नई और अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।